हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने प्रबंधन का अर्थ, व्याप्ति और उसका परिभाषाएं देखी, लेकिन आज के लेक्चर में हम प्रबंधन का महत्व तथा प्रबंधन के तत्व को देखने वाले हैं या समझने वाले हैं। तो प्रबंधन का महत्व परिभाषित करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जब हमने प्रबंधन की परिभाषाओं को समझा तो देखा कि प्रबंधन यह उपक्रम को चलाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। मतलब प्रबंधन यह शास्त्र जब सर्वव्याप्त है तो उसका महत्व भी अनन्य साधारण होगा या बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अब हम प्रबंधन के महत्व को विभिन्न घटकों के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। पहला महत्व है स्पर्धा में संगठन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। आज का जो युग है, आधुनिक युग है, ये स्पर्धा से भरा पड़ा है। यहाँ पे अगर हमें हमारा उपक्रम, हमारा व्यापार व्यवसाय सुचारू रूप से अगर चलाना है, स्पर्धा में अपनी पकड़ बनाए रखना है, अपनी एक अनूठी पहचान बनाए रखना है, तो हमें हमारे कार्य को कुछ दूसरों की तुलना में अलग करना होगा, विभिन्नता दिखानी होगी, तभी हमारा अस्तित्व टिक पाएगा। तो इसीलिए स्पर्धा में अगर हमारे संगठन का अस्तित्व बरकरार रखना है तो इसके लिए हमें प्रबंधन करना बेहद आवश्यक है। क्योंकि जब कार्यों में एक वाक्यता होगी, कार्यों में उद्देश्य के हिसाब से कार्य करने की क्षमता होगी, उस प्रकार नियोजन किया गया होगा, तभी हम स्पर्धा में अपनी अस्तित्व को या अपनी पहचान को बनाए रख सकते हैं। फिर इसमें हमें अपनी पहचान बनाए रखने के लिए क्या करना है? तो स्पर्धा में टिकने के लिए हमें हमारी जो चीजें है, जो उत्पादन है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो सर्वश्रेष्ठ रखनी होगी। जो उसकी कीमत है वो कम रखनी होगी। तो इसके लिए विभिन्न योजनाओं का नियोजन करके या विभिन्न योजनाओं को बनाकर हमें अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहना चाहिए। उसके बाद प्रबंधन के दूसरे महत्व के तहत मैंने लिख रखा है उत्पादन व्यय न्यूनतम करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए। जैसा अभी हमने पहले पॉइंट में देखा कि अगर हमें हमारा अस्तित्व बचाना है तो उत्पादन की जो क्षमता है उसे बढ़ानी है और कीमत कम रखनी है। तो क्षमता को बढ़ाते वक्त जो व्यय है, खर्चा है, जो कीमत हमें लगने वाली है, अगर उसमें बहुत ज्यादा प्रमाण में खर्चा हो रहा है तो हमारी कीमत भी बढ़ेगी। जो उपभोक्ता है वो ज्यादा कीमत होने के कारण हमारी चीजों को दरकिनार भी कर सकते हैं। इसीलिए उत्पादन व्यय न्यूनतम हो, कम से कम हो, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और अगर उत्पादन व्यय न्यूनतम होता है तो हमारा जो कच्चा माल है, श्रम है, पूंजी है, इन सभी लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा या इन सभी चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके सही समय पर सही चीज का इस्तेमाल करके हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और अपनी उत्पादन व्यय को न्यूनतम माने कम से कम रख सकते हैं और इससे हमारी उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी ही होगी। तीसरा महत्व दिया हुआ है कार्य क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए। अब कार्य क्षमता में बढ़ोतरी करने के तहत सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि कार्यों का पृथक्करण करना, माने कार्यों को बांटना। पृथक्करण करना यानी कि विभिन्न विभागों में कार्यों को बांट देना। फिर कार्यों को बांट दिया, कार्यों को बांटने के बाद उस कार्य को करने की श्रमिकों की, कर्मचारियों की या अधिकारियों की गति कैसी है इसे जानना, इन सब कामों का अंतर्भाव कार्य क्षमता में
वाली। लेकिन दूसरा पहलू क्या है? मंदी का। जब बाजार मंदी से भरा पड़ा हुआ है, कीमतों में भारी पैमाने पे गिरावट हो रही है, ऐसे परिस्थिति में लाभ में भी गिरावट होगी और हर समय सरीखा या समान नहीं हो सकता। तो जब हमने तेजी के समय में लाभ कमाया है तो अब हमें मंदी के समय में अपना अस्तित्व बरकरार रखना होगा। इसके लिए मंदी की परिस्थिति, जो विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आन पड़ी है, इस विपरीत परिस्थिति पर भी हमें मात करने की क्षमता कुशल प्रबंधक में होनी चाहिए। और प्रबंधन का कार्य प्रबंधक पे टिका हुआ होता है, इसीलिए ये प्रबंधन के महत्व के तहत यहाँ पे हमने मंदी की परिस्थिति पर मात करना ये पॉइंट लिख रखा है। उसके बाद है प्रबंधक, प्रबंधन व्यवसाय का जीवनदायी रक्त होता है। अब जो हमने ये ऊपर इतने सारे पॉइंट देख रखे, इन सब से ये पॉइंट साफ साबित होता है कि अगर प्रबंधन उचित नहीं है, प्रबंधन कुशल तरीके से नहीं किया जा रहा, तो उपक्रम चल नहीं सकता। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि प्रबंधन यह व्यवसाय का जीवनदायी रक्त होता है, जिसके होने के कारण, जिसके चलने के कारण, जिस प्रक्रिया के कारण व्यवसाय या उपक्रम सुचारू रूप से चलता रहता है। तो ये था प्रबंधन का महत्व। इसके बाद का हमारा पॉइंट है व्यवसाय प्रबंधन के तत्व। अगर व्यवसाय का प्रबंधन करना है तो किन तत्वों को हमें मद्देनजर रखना होगा, किन तत्वों को हमें आधार बनाना होगा, जिसके चलते हमारा कार्य उचित तरीके से चले, जिसमें कोई गलती ना हो और बाद में जाके कोई जटिल समस्याएं निर्माण ना हो, ताकि फिर हमें हमारे जो महत्वपूर्ण कार्य है ये छोड़ के उन जटिल समस्याओं को छुड़ाने के पीछे लगना होगा। इसीलिए अगर उचित तत्वों का पालन किया जाए तो समस्याएं निर्माण नहीं होती करके अब हमारा आगे का पॉइंट है व्यवसाय प्रबंधन के विभिन्न तत्व। तो पहला तत्व क्या है? उद्देश्यों में एक वाक्यता का तत्व। अब यहाँ उद्देश्य किसके किसके होंगे? तो सबसे पहला व्यावसायिक उद्देश्य, माने हमारे बिजनेस का उद्देश्य कि हमें हमारे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है, ये हम एक नॉर्मल उद्देश्य पकड़ के चलते। तो इस उद्देश्य को पकड़ के बाकी जो कर्मचारी अधिकारी श्रमिक है, इन सभी का उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरा जो व्यावसायिक उद्देश्य है उसे पहले मैं पूरा करूं, मेरे बाकी के जो उद्देश्य है वो अलग रह जाए और मैं अपने व्यवसाय के प्रति अपना पूरा 100% दे सकूं। इसलिए व्यवसाय और व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न घटक, इन दोनों के मध्य या इन दोनों के बीच एक वाक्यता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, हाथ से हाथ मिला के चलने की क्षमता होनी चाहिए, तभी व्यवसाय आगे बढ़ सकता है। उसके बाद है समन्वय का तत्व। अब समन्वय को अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन, माने जो विभिन्न विभाग है उपक्रम के अंतर्गत, बहुत सारे विभाग आ सकते हैं। कल हमने देखा जैसे उत्पादन विभाग है, विक्रय विभाग है, विपणन विभाग है, अभी विभिन्न विभाग है, तो इन विभागों के मध्य जो ये विभाग कार्यरत है इनके बीच में एक वाक्यता और समन्वय होना चाहिए, ताकि उत्पादन विभाग का कार्य पूरा होने के बाद जो अगला विभाग है वो अपना कार्य ले ले, ऐसा मतलब ये चक्र चलता रहना चाहिए। और ये चक्र निरंतर कब चलता रहेगा? सब अपना अपना काम जब बराबर करते रहेंगे, अच्छे से करते रहेंगे। इसीलिए समन्वय का तत्व भी प्रबंधन के तत्वों के तहत महत्वपूर्ण माना गया है। उसके बाद है नियंत्रण क्षेत्र का तत्व। अब नियंत्रण क्षेत्र के तत्व के अंतर्गत आएगा कि जो व्यवसाय प्रणाली में एक हमने हायरार्की बना रखी है, जैसे कि ऊपर अधिकारी, फिर कर्मचारी, फिर श्रमिक, तो जो नियंत्रण होने वाला है या जो निर्णय प्रक्रिया होने वाली है वो ऊपरी छोर से नीचे की ओर आने वाली है। तो ये निर्णय प्रक्रिया में जो अधिकारी निर्णय लेंगे वो कर्मचारियों को उसका पालन करना है, कर्मचारी जो निर्णय देंगे या जो आदेश देंगे उसका पालन जो निचली स्तर पे काम करने वाले श्रमिक है उनको करना है। पर यहाँ पर नियंत्रण शब्द क्यों उपयोग में लाया गया कि एक अधिकारी के हाथ के नीचे कितने
सही हो पा रहा है या नहीं ये अच्छे तरीके से देख सकता है और काम को पूरा कर सकता है। इसीलिए तीसरा यहाँ पे तत्व बताया है नियंत्रण क्षेत्र का तत्व। उसके बाद है नियोजन का तत्व। अब कामों को अगर करना है तो उसका पहले से हमारे पास आकृति बंध बना होना चाहिए कि मुझे आगे क्या करना है। अगर हमारा एक ढांचा तैयार नहीं है और हम चल दिए कि बस काम करना है, ऐसा थोड़ी होगा। इसीलिए पहले एक विभिन्न कामों को करने के लिए या विभिन्न कामों को जब हम सोचते हैं तो उन कार्य को करने की जब सोच निर्माण हुई तभी उसको कैसे करना है इसका एक आकृति बंध भी निर्माण होना चाहिए, ढांचा भी निर्माण होना चाहिए, तभी जाके कार्य अच्छा हो सकता है। तो वो आकृति बंध बनाना, एक ढांचा सुनिश्चित करना, कामों को कौन करेगा इसकी रूपरेखा निर्धारित करना, इन सभी बातों का अंतर्भाव नियोजन के तत्व के तहत आता है। उसके बाद सहभाग का तत्व। अब सहभाग का तत्व, सहभाग किसका किसका होगा? तो जो केवल अधिकारी वर्ग ही निर्णय लेने की क्षमता ना रखे, कभी कभी जो श्रमिक वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, ये भी कोई अच्छी हमें आइडिया दे सकते हैं या कोई अच्छी सोच हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए किसी नए कार्य को करते हुए या किसी नया आकृति बंध को तैयार करने के पहले जितने भी उपक्रम में आने वाले मानव संसाधन है उन सभी का उसमें सहभाग होना चाहिए, उन सभी का उसमें वहां पे विचार उन्हें रखने की छूट रहनी चाहिए। ये आएगा सहभाग के तत्व में। उसके बाद है अनुशासन का तत्व। अब जैसे इतने सारे तत्व देख लिए, उद्देश्यों में एक वाक्यता होगी, समन्वय होगा, नियंत्रण होगा, नियोजन है, सहभाग है, पर अगर काम को करने में अनुशासन नहीं है तो इन सब तत्वों का होना निरर्थक हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई हमें आदेश दे रहा है और वो आदेश हमें कौन देगा? जो हमारा ऊपरी अधिकारी है वो देगा। तो जो पर्टिकुलर या विशिष्ट व्यक्ति है उसके द्वारा दिए गए आदेश की मेरी ओर से अमलबजावनी होनी चाहिए या प्रचिति होनी चाहिए, इसके लिए हर व्यक्ति के मन में अनुशासन का पालन करने की भावना होनी चाहिए। जब अनुशासन का तत्व कामों में होगा, लोगों के मध्य होगा, हमारे संगठन के मध्य होगा, तभी इन सभी तत्वों का पालन सुचारू रूप से किया जा सकता है। उसके बाद अंतिम तत्व यहाँ पे दिया हुआ है मेहनताने का तत्व। अब मेहनताने का तत्व या वेतन का तत्व, तो जब हम किसी उपक्रम के अंतर्गत काम करते हैं या किसी व्यावसायिक संगठन में काम करते हैं तो हमारी काम को करने की जो क्षमता है उसको जब तक का उचित मेहनताना या वेतन की साथ नहीं मिलेगी तब तक का लोगों में काम करने की जो अभिप्रेरण है, जिसको हम मोटिवेशन कह सकते हैं, वो नहीं आएगा। क्योंकि अगर हमारा संगठन हमारी जरूरतों को जान के हमारी जरूरतों को पूरी करे, इतना उचित मेहनताना अगर हमें प्रदान करता है तो ये हमारा आद्य कर्तव्य है कि हम हमारे संगठन के प्रति भी अपना 100% दे। तो इसमें श्रमिक या मानव